हेलो फ्रेंड्स, मैं राजा हूँ छपरा बिहार से। ठीक, अभी होंडा कार इंडिया लिमिटेड टपुकुरा राजस्थान की कंपनी है, जो हफ्ते में 2 दिन छुट्टी यानी कि 22 दिन ड्यूटी होती है और 8 दिन छुट्टी होती है। सैलरी 24,500 रुपये, कट पीट के इन अकाउंट 19,000 20,000 रुपये आता है। ओवर टाइम 160 रुपये घंटा ओवर टाइम, शनिवार को ड्यूटी करने जाते हैं तो 9 घंटे ड्यूटी होती है और 1400-1500 रुपये अप्रोक्स आपके बनेंगे। ठीक है, तो आइए आप आपके डिटेल से बात करते हैं। रिक्वायरमेंट कहाँ से निकल के आई है, कहाँ जा रही है और इसमें भर्ती कैसे होती है, एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं, इंटरव्यू कैसे होता है और मेडिकल ज्वाइनिंग कैसे होता है, कितने दिन में होता है। ठीक है, इसका ज्वाइनिंग 7 दिन के अंदर में हो जाएगा। अगर आप फ्री हैं तभी इस कैंपस में जाइए, क्योंकि जो मैं जो बताऊँगा वैसे आप करेंगे तो ज्वाइनिंग होगा 100%। ठीक है, देखिए, विशिष्ट राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान रोशनाबाद हरिद्वार, हरिद्वार में ये कैंपस लगने जा रहा है। जो भी हीरो कंपनी में वहाँ पे काम कर रहे होंगे, ठीक है, तो वहाँ से रोशनाबाद 10 रुपये लगता है। ठीक है, रोशनाबाद 10 रुपये लगता है। तो आपको बता दें कि कितने तारीख को, ये 25/7/2022 को ये नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। कहने का मतलब कि आज से 2 दिन पहले, 2 दिन लेट हो गया हूँ। ठीक है, और ये कैंपस लगने जा रहा है कितने तारीख को, आपको बता दे कि बना 29/7 को। ठीक है, नीले 29 जुलाई को ये कैंपस लगने जा रहा है। 29 जुलाई को, 29 जुलाई को विशिष्ट राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान रोशनाबाद, यानी कि विशिष्ट गवर्नमेंट आईटी रोशनाबाद हरिद्वार में ये कैंपस लगने जा रहा है। यहाँ पे लोकेशन तक पहुँचने के लिए मैं आपको बता दूँ, कहीं से भी आप लोग हरिद्वार पहुँचिए, हरिद्वार स्टेशन से 40 रुपये लगता है रोशनाबाद का, मतलब कि 30-40 रुपये लगता है रोशनाबाद का, महदूद का 20-25-30 रुपये लगता है। मतलब कैसे भी आपको रोशनाबाद पहुंचना है, हरिद्वार उतर करके रोशनाबाद पहुंचना है। 29 तारीख को सुबह 9 बजे आप लोग को रोशनाबाद पहुंचना है, गवर्नमेंट आईटीआई रोशनाबाद। पहले इसका ज्वाइनिंग प्रोसेस क्या होता है, ज्वाइनिंग प्रोसेस में देखिए, वहाँ पे होंडा के नाम पे इतने सारे बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं कि पूछिए ही मत। ठीक है, लगभग बहुत सारे क्वेश्चन क्या होते हैं, 40 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से कम 16 या 20, कम से कम 20 नंबर आप मंगा देंगे तो पास हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन कैसे कैसे होते हैं, तो क्वेश्चन रीजनिंग से होते हैं, GK GS से होते हैं, जैसे कि सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है, एक तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन होते हैं, एक घड़ी से रिलेटेड क्वेश्चन होता है कि 7:19, उसके बाद 7:32, उसके बाद इतना, तो फिर उसके बाद कितना टाइम होगा, फिर कुछ ट्रायंगल से कितना ट्रायंगल है, ट्रायंगल गिनने के लिए, मतलब ऐसा ऐसा लेवल होता है एग्जाम का पैटर्न, मतलब कि जो होता है होंडा कार इंडिया लिमिटेड में। जैसे कि अभी मेरे पास था, मिल नहीं रहा, ठीक है, लेकिन जुगाड़ मैं कर रहा हूँ आप लोग को प्रोवाइड करने के लिए, प्रोवाइड होगा। ठीक है, तो जैसे कंपनी जाती है आप लोग 9 बजे एंट्री करते हैं, वहाँ पे बहुत सारे बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं, 1 बैच 2 बैच 3 बैच 4 बैच, 4-5 बैच में आप लोग का एग्जाम होगा। मतलब कि जितने भी लोग हैं एक बार अंदर लिया जाएगा, सभी का एग्जाम होगा, बाहर किया जाएगा, फिर अंदर आएंगे, सभी का एग्जाम होगा, फिर बाहर जाएंगे। लगभग 1-2 बैच जो एग्ज़ाम दे दिए हैं उन्हीं लोगों का सलेक्शन होने का चांस ज़्यादा है। अगर कहने का मतलब कि आप चौथी राउंड में, पांचवी राउंड में जाते हैं, तो आपका बस CV ले लिया जाएगा, रिज्यूम ले लिया जाएगा, बोला जाएगा, आपको कॉल करके इन्फॉर्म किया जाएगा, और ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, बस आपको टरकाने के लिए ये सब किया जाता है। पहले राउंड में जाना है, एग्जाम देना है, एग्जाम में क्वेश्चन आपको बता दिए कि ऐसे ऐसे कुछ नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं, हालांकि मैं क्वेश्चन मिल रहा है तो मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। उसके बाद एग्जाम जैसे ख़त्म होता है, फिर आधे घंटे के बाद आपको अनाउंस किया जाता है कितने लोगों ने पास किया, कितने लोगों ने फेल किया। जो जितने लोगों ने पास किया है उनका नाम बोला जाता है और उनको लाइन में लगाया जाता है ऐसे। तो आप लोग लाइन में लगे, लाइन में लगने के बाद आपको वहाँ पर छाटा कितने रीजन से जाता है मैं आपको वो बता देता हूँ। ठीक है, और पास क्वेश्चन क्या क्या किए जाते हैं, देखिए, आपने 10वीं क्लास किया, उसके बाद ITI किए, ITI के बाद क्या कर रहे थे, अगर देखिए यहाँ पे 2 साल के लिए जॉब रहने वाली है और कम से कम एक्सपीरियंस 6 महीने के लिए होंडा कार लेती है। अगर आपके पास 6 महीने का एक्सपीरियंस है तो 2 साल वाला में एलिजिबल है, जो सैलरी 24,500 रुपये है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो अप्रेंटिसशिप कराती है, सैलरी 13,500 रुपये देती है, ओवर टाइम 100 रुपये घंटा और 2 दिन छुट्टी रहती है। इसमें भी जब आप अप्रेंटिसशिप कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर आपको 1 महीने गैप दे करके 2 साल FTE के तौर पे 24,500 रुपये सैलरी के तौर पे आपको रखा जाएगा। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि
यहाँ पे एग्जाम पैटर्न खत्म होने के बाद आपसे जब इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके बैकग्राउंड से, जैसे आपका बैकग्राउंड मिडिल क्लास से है, लो क्लास से है, ज़्यादा हायर से नहीं है, मतलब ज़्यादा मिडिल क्लास वाले को फोकस किया जाता है लेने के लिए। तो आपको ये तो मिडिल क्लास में आपको बता दीजिए। उसके बाद आपका जैसे गैप नहीं होना चाहिए, जैसे कि अभी 2022 चल रहा है, 2020 में आपने ITI फाइनल कर लिया है, तो 2 साल क्या कर रहे थे? अगर 2 साल कुछ नहीं कर रहे थे, घर में बैठे हुए थे, तो आपका एग्जाम है, आपका इंटरव्यू पास नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए 2 साल को मेंटेन करने के लिए आप कुछ और बता सकते हैं, जैसे कि ADCA कर रहा था, 1 साल ADCA करने में लग गया और 1 साल किसी वेंडर कंपनी में काम कर रहा था। हालांकि 6 महीने का अगर 2 साल वाला में जा रहे हैं तो 6 महीने का एक्सपीरियंस तो दिखाना ज़रूरी है, लेकिन किसी भी कंपनी बता दी, वेंडर कंपनी में कोई भी वो नहीं होता है, वेंडर कंपनी में कोई एक्सपीरियंस लेटर नहीं मिलता। आप खुल के बोल दीजिए मेरे पास एक्सपीरियंस लेटर नहीं है और मैं यहाँ पर काम कर रहा था, मतलब गैप मेंटेन 6 महीने का भी गैप मिल गया तो आपका इंटरव्यू नहीं होने वाला है। सब सही रहा, अगर गैप मेंटेन नहीं है, अगर 2021 में पास किए हैं, 2022 से पहुँचे हैं, 6 महीने क्या कर रहे थे, कुछ नहीं कर रहे थे, तो फिर आपको बताना होगा घर पे काम कर रहे थे, पापा जी का हाथ बटा रहे थे, ठीक है। ये नहीं बताना है कि मैं पॉलिटेक्निक कर रहा हूँ, मैं तैयारी कर रहा था, वरना ये सोचेंगे कि ये तैयारी करने वाला है एग्जाम देने के लिए, बार बार जाएगा, छुट्टी लेगा, ये सब फंसाने का जो भी, ठीक है। तो आपको इंटरव्यू के लिए ये क्लियर हुआ। इंटरव्यू के बाद आपको मिलेगा LOE, मतलब कि ऑफर लेटर, पता नहीं क्या बोलते हैं, वो लेटर दिया जाएगा गेट पे एंट्री होने के लिए। आपको उसी दिन 6 से 7 दिन के अंदर में आपको बुलाया जाएगा होंडा कार इंडिया लिमिटेड टपूकरा गेट नंबर 2 पे, जहाँ पे आपको एंट्री करके वहाँ पे सारा मेडिकल का वो दिया जाएगा, कलर ब्लाइंडनेस चेक किया जाता है, कलर विजन चेक किया जाता है, हार्ट टेस्ट, कान नाक सब। वहाँ पे 1-2 महीने का ट्रेनिंग होता है, 2 महीने में आपका एक्सरसाइज, PT एक्सरसाइज, दौड़ा कूदने फादने दौड़ाया जाता है उधर सुबह सुबह, मतलब पूरी ट्रेनिंग वेल ट्रेन किया जाता है, मतलब कि समझ रहे हैं। दो जिस दिन कंपनी में जाते हैं उसी दिन से आपका सैलरी बनना स्टार्ट हो जाता है, चाहे 2 महीने पढ़े 3 महीने पढ़े, वहाँ पे ट्रेनिंग 2 से 3 महीने का होती है। उसके बाद फिर शॉप में जाने के बाद शॉप में 15 दिन का ट्रेनिंग होती है, वहाँ पे प्रोडक्शन 3.5 मिनट में एक गाड़ी निकलती है, ठीक। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय बाय, ओके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नए हैं तो बाकी सब ठीक है, सब्सक्राइब कर लो यार।